सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ये विलेजर ब्रीडर, तो ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। और यहाँ पर एक विलेजर भी है, एक नहीं तीन विलेजर है। लेट्स गो। तो गाइस आज ना हम बनाने वाले हैं एक बार्न हाउस। तो सबसे पहले ना एक लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं हमने कहाँ पर बनाना है उसको। तो मैं सोच रहा हूँ ना इसके साइड में बनाते हैं कि ऐसी की तैसी। बारह ओके। तो गाइस मैं ना सोच रहा हूँ इसके साइड में बनाते हैं, तो यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा छोटा है, तो कहाँ पर बनाएं? यहाँ पर बना सकते हैं इस एरिया को, थोड़ा सा क्लियर कर और थोड़ी सी डर्ट ऐड कर यहाँ पर बन सकता है। मैं देखता हूँ मेरे पास कितनी डर्ट है, तो यहाँ पर ही बनाते हैं। डॉट तो होनी चाहिए क्योंकि उस एरिए को हमने फिलअप भी करना है। डॉट तो थोड़ी है। कमी हो सकती है डॉट की, तो कहीं से यहाँ पर बनाते हैं। तो इस एरिए को हमें खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गाइस इतना एरिया तो हो चुका है, पर हमें थोड़ा सा और एरिया चाहिए। तो मैं ना डर्ट माइन करता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ। तो पीछे से करेंगे डर्ट माइन। तो यहाँ से करते हैं। तो गाइस हमारे पास लेवल तो है और डायमंड भी पड़े होंगे, तो ऐसा करते हैं ना डायमंड की शवल बनाते हैं और उससे माइन करते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, जल्दी जल्दी होगा। तो डायमंड होंगे हमारे पास, तो चार डायमंड है, इसमें से एक ले लेते हैं। ओके, तो भी बनेगी एक शवल। लेट्स गो, एक बन गई शवल। लैपिस लाजुली, चलो अभी देखते हैं। इसमें ना एफिशिएंसी 4 भी मिल जाए ना, वो भी काफ़ी है। तो लेट्स गो, एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3, फॉर्चून 3 का तो कोई काम नहीं इसमें, तो बढ़िया है। लेट्स गो, अब काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ 2 मिनट में। तो गाइस मैंने ये एरिया फिल कर दिया है, तो ये यहाँ तक है टोटल। तो अभी रात हो चुकी है, मैं पहले सो लेता हूँ। पहले ना ये कचरा खाली करते हैं।
फालतू में भरा रहता है। इसका भी कुछ करेंगे पर अभी नहीं। कई सभी ना हमें ब्लॉक्स भी चाहिए थोड़ी सी। इसको लेते हैं डायमंड पिकेक्स को, तो मैं वो ब्लॉक ले आता हूँ जो मुझे चाहिए। यार क्रीपर भाई, नहीं फटियो मत फटियो मत फटियो मत, नीचे चलते हैं। नीचे नहीं, वो ना माउंटेन में ज़्यादा मिलता है, तो ये माउंटेन है इसमें देखते हैं। तो गाइस अभी इतना इनफ है, तो अभी चलते हैं जल्दी से घर पर। अभी करते हैं शुरू, अभी इसकी एंट्रेंस देखते हैं कैसे करनी है। पहले इसमें ना दो का गैप रखेंगे, दो का, फिर एक लाइन आ जाएगी हमारी ऐसे। तो फिर एनिमल के लिए हम रखेंगे 5 का, नहीं 5 का नहीं रखते, 8 का रखते हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सेंटर में होगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, क्योंकि उधर भी 9 है टोटल। ओके अभी यहाँ से लेकर वहाँ तक बनेगा, तो इसको तोड़ देते हैं पहले। ये यहाँ पर आएगा, इसको थोड़ा सा लंबा रखना है क्योंकि ये मेन पिलर होने वाले हैं। इसके आइटम टोटल रखेंगे 10, तो अभी कितने हो गए हैं, 5 हो चुके हैं, 6 7 8 9 10। ओके 10 नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 11 12, हाँ इतना सही है। अभी उस साइड से भी करना है, मैंने फिर से रख दिया। तो गाइस इतना पार्ट डन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं अभी ऐसा लग रहा है। अभी इसमें जो ये साइड की वॉल्स है ये ऐड करनी है। ओके और इसमें फेंसिंग ऐड करनी है, और एनिमल, और ये छत ऐड करनी है, तो और थोड़ी सी डेकोरेशन। तो ये सब मैं कर कर आपको मिलता हूँ। तो गाइस हमारा बिल्ड रेडी हो चुका है और ये है उसकी फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसी लुक दी है। ओके अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो अंदर हमने एनिमल डाल लिए हैं, तो यहाँ पर पिग आना है, पर हमारे पास ना पोटैटो है ना कैरेट है, तो उसके बिना वो आ नहीं सकता। तो यहाँ ऊपर हमने लेंटल लगाई है ताकि अंधेरा ना रहे, और ये है इसकी ओवरऑल लुक। थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो बढ़िया लग। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।